नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z मोबाइल रिपेयरिंग में। आज आप जानेंगे सैमसंग A50 में चार्जिंग टेम्परेचर का जो इशू आता है, थर्मामीटर बन के आता है आपका, चार्जिंग USB पे क्रॉस बन के आती है रेड कलर से, उसे हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, और इस समस्या को फिक्स करने के लिए हमें कौन से सप्लाई को सबसे पहले चेक करना है, कौन से वोल्टेज को जो है चेक करना है, और ये वोल्टेज हमें कहाँ से मिल सकते हैं, और अगर जो वोल्टेज हमारे वहाँ से भी अगर न मिल रहे हों जहाँ से मिलते हैं, तो हम इसे कैसे बाईपास कर सकते हैं या किस तरह से ढूंढ सकते हैं, या ये सप्लाई जो है हम कहाँ से अदर किसी जगह से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे और जानकारी देंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो की टेस्टिंग के बारे में, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा कि चार्जिंग की समस्या हमारे इस फ़ोन में आ रही है, बट हमारा जो फ़ोन है चार्ज नहीं हो रहा, चार्जिंग टेम्परेचर का इशू आ रहा है। और अभी इसके लिए सबसे पहले जो हमें चेक करना है वोल्टेज या सप्लाई, वहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज होता है दोस्तों 1.8 वोल्टेज, एक्चुअल में वोल्टेज होता है वो, और ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, वेरी करता है। तो यहाँ पर जब मैं चेक कर पा रहा हूँ तो 0.10 या 0.5 या 0.11 के आसपास वोल्टेज यहाँ दिखा रहा है। ये देखिए, ये टिप्स है हमारा, इस पर हमें वोल्टेज चेक करना है। और ये हमारी थर्मल लाइन है, थर्मल लाइन में हमें तीन कंपोनेंट मिल सकते हैं यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस होगा, एक थर्मल रेजिस्टेंस होगा जो कि ग्राउंड से लगा होता है थर्मल रेजिस्टेंस, और ये हमारा सीरीज में थर्मल लगा होता है। इस थर्मल पे एक हिस्से पे आता है 1.8 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज जो है हमारे दूसरे थर्मल यानी थर्मल कंपोनेंट की सप्लाई पे जाती है, यानी थर्मल रजिस्टर की सप्लाई पे जाता है, और वहाँ से इनपुट वोल्टेज जो निकलता है जाके, यानी आउटपुट वोल्टेज, वो हमारे CPU को सिग्नल जाता है वोल्टेज के रूप पे। और ये वोल्टेज बहुत ही कम होता है, 0. कुछ करके होगा आपका, अलग अलग सेट पे अलग अलग वोल्टेज होता है। और इस वोल्टेज के थ्रू हमारा CPU सेंस करता है हमारे फ़ोन के टेम्परेचर को, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे फ़ोन पे जो एरर आता है थर्मल का, वो इसी वजह से आता है दोस्तों। जब भी ये वोल्टेज नहीं मिलता या ये वोल्टेज ज़्यादा मिलने लगता है, तो हमारा फ़ोन जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं शो करता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें जो है दोस्तों, सबसे पहले ये जो हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था, ये हमने सप्लाई चेक करी, तो ये सप्लाई हमारे यहाँ पे कार्बन होने की वजह से कुछ ब्रेक दिखी, और ये सप्लाई जस्ट इसके पीछे आपको एक लाइन आती हुई दिखेगी। जब भी आपके फ़ोन ये जब भी आपके पास ये फ़ोन रिपेयर होने आए, तो आप देखिएगा ये लाइन आपको दिखती हुई जाती हुई दिखेगी, और उसके जस्ट बैक इन में देखेंगे तो एक सप्लाई और आती हुई दिखेगी, और उसी सप्लाई पे आपको जस्ट जम्पर करना है कुछ इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने किया हुआ। ये देखिए, ये देखिए हमारा, ये हमने जम्पर कर लिया है ये बैक इन में, और फ्रंट में आपने देखा ही था वो सप्लाई हमारी जो दिख रही थी आते हुए इस कंपोनेंट को, कंपोनेंट के थ्रू जो हमारा थर्मल कंपोनेंट है, ये देखिए थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है एक, और एक हमारा ग्राउंड से थर्मल रजिस्टेंस होता है, और एक रजिस्टेंस और भी लगी होती है, वो भी आपकी सप्लाई में होती है जस्ट नॉर्मल रजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस हमारी ग्राउंड से लगी होती है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो अब जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जम्पर करने के बाद जो हमारी समस्या है, जो हमारा प्रॉब्लम है, जो हमारा इशू है, वो दूर हो जाता है कि नहीं। मोस्टली 70 से 80% आपका जो प्रॉब्लम है यहीं से सॉल्व हो जाता है दोस्तों। हाँ, कुछ एक केसेस में जो है आपकी ये समस्या यहाँ से भी दूर नहीं होती, तो आप सेकेंड स्टेप जो हमारा है इस वीडियो में उसे फॉलो कर सकते हैं, और वो तरीका कैसे आपको काम करता है या कैसे वर्क करता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये देखिए हमारा अभी जो ये समस्या थी, इशू था, अभी भी बना हुआ है, और सेम तरीके से अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम फिर से एक बार चेक करेंगे, क्योंकि हमने जम्पर जो है ब्रेक था, ब्रेक होता है यहाँ से अक्सर, तो हो सकता है पहले से आ रहा हो, थोड़ा बहुत पहुँच रही हो वोल्टेज, हमारी सप्लाई पहुँच रही हो, बट हम वोल्टेज चेक करेंगे अभी हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो हमें 1.8 वोल्टेज चाहिए था, एक्चुअल में 1.8 वोल्टेज होता है दोस्तों, और काफ़ी जगह पे आपको कम या ज़्यादा दिख सकता है थोड़ा बहुत, 1.7 या 7.5 वगैरह। तो फिलहाल ये वोल्टेज अभी भी हमको नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो ये वोल्टेज अगर अभी भी हमें नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूट वोल्टेज भी यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। सब्स्टिट्यूट का मतलब है दोस्तों, अगर हमें सेम सप्लाई यहाँ से नहीं मिल पा रही किसी कारणवश, तो हम यहाँ पर कहीं से भी 1.7 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पर जम्पर कर सकते हैं दोस्तों, और हमारी जो थर्मल की यानी टेम्परेचर की समस्या है वो फिक्स हो जाएगी। एक्चुअल में ये कैसे फिक्स होगी दोस्तों, आपका जो थर्मल के लिए वोल्टेज आता है 1.8 वोल्टेज, वो जब यहाँ पे आएगा, एक आपका रेजिस्टेंस लगा होता है, रेजिस्टेंस से पास होती है
रेजिस्टेंस के बाद आपका एक ग्राउंड से आपका थर्मल रेजिस्टर लगा होता है जिसके थ्रू वोल्टेज रेगुलेट होता है। वो रेजिस्टेंस जो होता है थर्मल जो ग्राउंड से लगा होता है वो रेगुलेटिंग का काम कुछ इस तरह से करता है दोस्तों कि जब भी आपके फ़ोन का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो अपना वो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से एक रेगुलेटेड वोल्टेज आपके सीपीयू तक पहुंचता है और सीपीयू आपके वोल्टेज को यानी हीटिंग को जो है सेंस करता है, यानी महसूस करता है कि आपके एक्चुअल में फ़ोन का जो हीटिंग है वो क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस आपका वर्क करता है। तो इस मेन वोल्टेज का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ तक सिग्नल पहुँचाना, वोल्टेज पहुँचाना। वो ये वोल्टेज आप कहीं से भी दे सकते हैं, 1.8 वोल्टेज कहीं से भी दे सकते हैं। 1.8 वोल्टेज की सप्लाई होनी चाहिए दोस्तों, और इसका कोई मतलब नहीं बनता आप यहाँ से दें जहाँ से मैंने दिया हुआ है, या आपको यहाँ भी नहीं मिल रहा है अगर वोल्टेज, तो आप पूरे बोर्ड में ट्रेस करें, आप अपने सब बोर्ड पर ट्रेस करें या मेन बोर्ड पर ट्रेस करें। आपको जहाँ से भी 1.7 या 1.8 वोल्टेज की समथिंग सप्लाई मिलती है तो आप वहाँ से जम्पर कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया यहाँ पर, ढूंढा ब्रेक सप्लाई को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, बट यहाँ सब बोर्ड में बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह पर जब मैंने देखा चेक किया तो वहाँ पर मुझे 1.7 के ऊपर यानी 1.7 वोल्ट से थोड़ा सा वो वोल्टेज मिला। और मैंने मेन बोर्ड पे भी चेक किया, आप मेन बोर्ड से भी जम्पर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, आपको थोड़ी सी लंबी वायर लगानी होगी और उसके लिए टेपिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप सब बोर्ड से ही जम्पर करते हैं, कहीं ना कहीं से सप्लाई को ढूंढ लेते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी और अच्छा बैठेगा। और इस कंडीशन में आपसे कहना चाहूँगा मैं, आप यूआई चेंज करके भी अपने फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं, बट सभी के पास यूआई नहीं अवेलेबल होती दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद और सर्च करने के बाद जो हमें सेकेंड टाइम यानी सेकेंड टाइम क्या सेकेंड जगह पर जो हमारा 1.8 वोल्टेज मिला वो यहाँ से मिलना चाहिए था पहली चीज़ तो हमें, और यहाँ तक आता था ये सप्लाई, यहाँ से ये कुछ कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर आती थी, यहाँ से आपका ये कनेक्टर है इस पर सप्लाई आती है, यानी यहाँ यह कनेक्टर से होते हुए वहाँ तक पहुँचती है आपकी, तो ये सप्लाई नहीं आ रही थी। तो काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद पूरी यूआई पर ये सप्लाई मुझे इस कंपोनेंट पे, ये देखिए सेकंड कंपोनेंट है, फर्स्ट छोड़ के सेकंड कंपोनेंट है, उसके इस हिस्से पे जो हमें 1.8 वोल्टेज मिला, और ये 1.8 वोल्टेज मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया अपनी थर्मल की लाइन में। तो थर्मल की लाइन में 1.8 वोल्टेज कनेक्ट करने पर अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो चार्जिंग का इशू था, जो प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और दोस्तों अगर ये हमारा चार्जिंग का समस्या, चार्जिंग की जो इशू थी वो सॉल्व हो जाती है अगर, तो आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे टिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको टाइम से मिलते रहें और आप उन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें और जानकारी ले सकें। तो देखिए दोस्तों फिलहाल हमारी चार्जिंग की जो समस्या थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखने के लिए।